कौन हो तुम? कौन हो तुम? जगन माँ, कौन है तू? मैं शालू। शालू? नहीं नहीं, मेरा ब्रह्म है तू। नहीं। छलाव है तू। नहीं जगन माँ। मेरा महापाप, मेरा श्राप तुम्हारा रूप लेकर लौटा है। नहीं जगन माँ, मैं शालू हूँ। तुम शालू नहीं हो। मैं वही शालू हूँ जिसे आपके श्राप ने पिछले जन्म में शपों से मिले नहीं दिया था। मुझसे पाप हुआ है, मेरे श्राप से तुम दोनों के प्राण चले गए। नहीं, बचाओ मुझे। जगन माँ, मैं अधर्मी हूँ, मैंने दो प्रेमियों को नर्क में ढकेल दिया। इतने वर्षों मैं दिल दिल जलती रही और भस्म होती रही। मैं 100 नरकों की यातना झेलूंगी तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। नहीं जगन माँ, नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं कोई भूत या छलावा नहीं, मैं पिछले जन्म का शालू और इस जन्म का अमर हूँ। मैं और शपो, हम मौत के अंधकार से निकल आए हैं। हाँ जगन माँ, हम दोनों ने दोबारा जन्म लिया है। सच? हाँ। तुम सचमुच लौट आए हो? हाँ जगन माँ, हम सचमुच लौट आए हैं। ये तो चमत्कार हो गया, हे सृष्टि निर्माता, चमत्कार हो गया। हे जग निर्माता, तेरी महिमा अपरंपार। आज मेरी साधना सफल हो जाएगी, आज मेरी साधना सफल हो जाएगी। कभी कभी श्राप देने वालों को भी घोर यातना सहनी पड़ती है। उस श्राप ने मुझे भी कहीं का नहीं छोड़ा। तुम्हारे मरने के बाद जैसे सब कुछ निर्जीव हो गया, वो गांव, मंदिर, झरना, इन सब के लिए मुझे ही दोषी ठहराया गया। पश्चाताप में मैंने वो गांव छोड़ दिया और इस पहाड़ की चोटी पर आकर अपनी कुटिया बसा ली। 20 वर्षों में ना यहाँ कोई आया है और ना ही मैं कभी नीचे गई हूँ। आज परसों बाद पहली बार मुझे सत्य के दर्शन हुए हैं। शालू, बोल क्या मांगता है ये भिकारण जोगन? आज अपनी साधना का सारा फल तेरी झोली में डालकर मुक्त हो जाएगी। लगता है जोगन माँ, आपका श्राप अभी भी हमारा पीछा कर रहा है। हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हमें श्राप से मुक्ति मिल सके और इस जन्म में हमारे मिलन को कोई न रोक सके। तथास्तु। मैंने अपने सारे पुण्य, सारी साधना, सारी तपस्या तुम्हारे मिलन के लिए दान कर दी। आज मेरी श्राप का अंतिम संस्कार हो गया। अब तुम दोनों को इस जन्म में कोई मिलने से नहीं रोक सकता। शालू, कोई नहीं रोक सकता। सच जोगन माँ, सच सच।